વિકસે વિલસે સૌનું જ્ઞાન ચાલો રચીએ સૌ સંધાન મિત્રો સંધાનના જ્ઞાન મંચના પ્લેટફોર્મમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના જ્ઞાન મંચનો વિષય છે ઇન્ક્લુઝન ઓફ ઇનોવેશન કલ્ચર ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ એકેડેમિયા આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે મિસ્ટર હિરણમય મહંતા જેઓ ટેકપીડિયાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે साथ साथी इनोवेशन एनजीओना सी ओ तरीके निभावर टू मिस्टर मोहंता थैंक यू सो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक की जिसकी बहुत जरूरत है आज की तारीख में वो है इंक्लूसन ऑफ इनोवेश कल्चर इन इंडस्ट्री एंड एकडेमिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ग्रो स्लो बाई स्लो हम थोड़ी सी धीरे धीरे जाएंगे चीज़ों को समझेंगे पहले हम आते हैं इनोवेशंस पे इनोवेशंस होता क्या है इनोवेशंस की ज़रूरत क्या है और इनोवेशंस को हम आगे कैसे ले सकते हैं इंडस्ट्री सबको समझ में आता है एकेडमी में हम सब आते हैं चाहे इंजीनियरिंग हो मेडिकल्स हो लॉ हो एग्रीकल्चर हो तो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो एक्डेमिक्स कल्चर में आते हैं उनकी और इंडस्ट्री में ये इनोवेशंस की रोल क्या है इसके बारे में हम देखते हैं और स्पेशली व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडिया सो फर्स्ट हम देखते इनोवेशंस। अगर हम इनोवेशंस की बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें गौर करनी पड़ेगी इट मीन्स डूइंग डिफरेंट थिंग्स हमें काम करना है बट इट्स शुड बी डिफरेंट जो सब लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा हटके हो सेकेंड थिंग डूइंग थिंग्स डिफरेंटली काम ढंग से करेंगे और डिफरेंटली करेंगे थर्ड थिंग मेकिंग अ डिफरेंस जब हम काम ख़त्म करेंगे तो ये एक अलग से डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए ओके okay. अब इनोवेशंस पे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं कि इनोवेशन किस किस तरीके से हो सकते हैं किस कारण से बन सकती है और कहाँ कहाँ से शुरुआत हो सकती है मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूंगा आप लोग को आ, ये आप स्लाइड्स पे देख भी सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक अम्फीबियस बाईसाइकिल एम्फीबियस बाईसाइकिल मीन्स एक ऐसी बाईसाइकिल जिसने बनाई है जो ओल्ड मैन जो पानी में भी चल सकता है और रास्ते में भी चल सकता है और उन्होंने किस कंडीशन में ये इनोवेशन्स की इनोवेशन जैसे हमने अभी डेफिनेशन पे देखा कि थोड़ी सी हटके करना है तो उन्होंने कैसे हटके किया और वो क्यों इनोवेशन्स कर पाए उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे जैसे कि एम पी बी एस बाईसाइकिल्स है फिर मैं आपको एक दिखाऊँगा एक ब्रीथिंग अपायर ब्रीथिंग मतलब आप सांसों के थ्रू कैसे सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल यूजिंग कंप्यूटर यूजिंग एस एम एस एवरी थिंग कैन बी डन हर चीज़ एक छोटी सी सांसों को कंट्रोल करके एक इक्विपमेंट एक छोटी सी स्टूडेंट जो टूवेल्थ स्टैंडर्ड आपसे भी छोटा होगा उसने बनाया है और जो एक फुल्ली पैरालिटिक पर्सन पैरालसिस मतलब जिसकी सिर्फ ब्रेन और सांसें चल रही हो बॉडी की मैक्सिमम पार्ट्स अकामी हो गया हो उस आदमी कैसे अपना हर चीज़ कर सकता है ओके तीसरा हम देखेंगे एक ऐसी मशीन जो आप की उम्र की एक बच्ची ने बनाई है जो वॉशिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत नहीं करती जो पेडल से चलती है उसके बाद हम देखेंगे पोल क्लाइंबिंग की डिवाइसेस एक आदमी ने बनाया है और उसने किस तरीके से बनाया है और आखिरी में एक बहुत ही अच्छी इनोवेशंस जो देखेंगे जो उसने स्कूटर्स को बनाया है ही फिज़िकली डिसेबल मतलब फिज़िकली वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता बट उसने अपने इनोवेशन को किस तरीके से हट से बनाया है और जैसे कि हमने तीसरी लाइन देखे थे कि फाइनली कुछ आउटपुट ऐसे आए जो आप लोग को समाज को काम में आए तो हम पहले देखेंगे एक एम पी जो कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डाल सकता है ये है बनाए मोहम्मद सईदुल्ला पटना से देखते हैं यह है उनकी डिटेल्स नाव का इंतज़ार मुझे गवारा न था मुझे मेरे प्यार से मिलना ही था मेरी बेकरारी ने मुझे आविष्कारी बना दिया पर प्यार को भी आविष्कार का सहारा लेना ही पड़ता ही मेरी नूर का नूर है नई खोज ही मेरी जिंदगी का जुनून है। माई टेक्नोलॉजी तो ये हमने जो देखा वीडियो अभी ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक संस्था है अहमदाबाद में एंड uh, इसने इनकी इनोवेशंस को स्काउट की और अगर आप में से भी ऐसे इनोवेशंस होंगे जिनको जरूर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इनोवेशंस आगे आए और ये एक ऐसे आदमी ने बनाया है जो ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है और मैंने आपको जो भी इनोवेशंस कुछ दिखाऊंगा अभी ये ज़्यादा लिटरेट्स नहीं है बट उन्होंने काफ़ी हटके किए हैं अगर आप देखे होंगे उन्होंने एक चीज़ बताया कि बेकरारी उनकी इनोवेशंस को कहाँ तक ले गई है जो हम सोच तक नहीं सकते कि एक आदमी एक बाइसाइकिल पानी में भी चला सकता है और रास्ते में साइकिल तरह भी यूज कर सकते हैं तो ये जो हम लोग देख सोच जो मैंने आपको बताया कि इनोवेश में उनके लिए तो हम बोल सकते हैं कि लीड टू मतलब अगर आप है कोई चीज करने के लिए उनका नदी पार करना बहुत जरूरी था ये उनकी डेस्पेरेशंस थी और इसके लिए वो इनोवेशंस कर पाए अभी हम चलते हैं एक दूसरी कैसेस पे वो तो जो मिश मोहम्मद सईदुल्ले थे वो तो काफी उम्र के थे हम ऐसे कैसे डिफरेंट कैसेस को जाएंगे जहां एक छोटा सा स्टूडेंट टूल्स ऑनर की सुशांत पटनायक उन्होंने एक ब्रीथिंग ऑपरेटर्स बनाया है जो आपको मैं बता रहा था जो फुल्ली पारोलिटिक पर्सन आप ये फोटो देख सकते हैं ये फोटो है राष्ट्रपति भवन में पिछले साल मार्च तेरह चौदह तारीख को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से वो व्हील चेयर वही दिखा रहे हैं जिस व्हील चेयर में अगर एक पारोलिटिक पर्सन बैठता है तो उसको पूरे फंक्शंस मोबाइल मूवमेंट्स करना चेयर्स को लेना आगे लेना पीछे लेना एसएमएस करना एवरीथिंग जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है वो कर सकता है और मेरा ये आपको बताने का जो मुख्य उद्देश्य है एक छोटी सी स्टूडेंट जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की तकनीकी की बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है उसने इंटरनेट की तरीके से इतने ज्ञान जुगाड़े और उनको इकट्ठे किए कि वो फाइनली जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं रिसेंटली उसको इंटेल कंपनी ने इंडिया की जो टॉप सिक्सटी अवार्ड्स हुए हैं उसमें से भी सिलेक्ट किए हैं तो अभी ये जो इनोवेशंस हैं इसको हम बोल सकते हैं इनोसेंस लिड टू इनोवेशन जैसे मोहम्मद सईदुल्ला का डेस्परेशंस उनके इनोवेशंस को क्रिएट किया था फॉर केस ऑफ़ सुशांत हम बोल सकते हैं कि उसकी जो इनोसेंस थी हाँ सुशांत ने ये डिवाइस इसीलिए बनाई थी क्योंकि वो बचपन में जब छोटे थे तो उन्होंने देखे थे कि एक पैरालिस जो पेशेंट होते हैं वो बहुत तकलीफ से जीते हैं क्योंकि वो कुछ मूवमेंट्स नहीं कर पाते कुछ मोबाइल यूज नहीं कर सकते तो वो जब छोटा सा बच्चा था चार क्लास की बच्चा था तो उन्होंने देखा कि ये जो दूसरे इंसान से जो पैरालिसिस की पेशेंट है जो बाकी सारे लोगों की जैसा ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं वो कैसे नॉर्मल लाइफ लाएँ और उनकी जो इनोसेंस थर्ट था वो एक बहुत बड़ी चमत्कार इनोवेशन कर दिए तो मे बी हम दूसरे बोल सकते हैं कि इनोसेंस अल्सोलेड टू इनोवेशंस अब हम देखते हैं एक तीसरी चीज़ एक ऐसी मशीन जो पेडल से चलती है वॉशिंग मशीन ये बनाए हैं रेमिया जोस

टीचर हम और पोटी तो या, अब इस में हम बोल सकते हैं ये जो उन्होंने जो इनोवेशन किए हैं ये एक अलग सी कैटेगरी से हट से आता है जो कॉम्पैसन लिड टू इनोवेशन कॉम्पैसन मतलब होता है संवेदना संवेदना मतलब होता है कि दूसरों की वेदना जब खुद की समान लगे तो उसको बोलते हैं संवेदना दूसरों की वेदना जब खुद के समान लगे तो वो दूसरों की नहीं रहती वो मेरी हो जाती है ये फ़िलोसफी में उन्होंने जो बनाई हैं रेशमिया जोश वो भी एक बहुत ही कम पढ़े लिखे बच्ची हैं जिन्होंने ये सोचे कि अगर उनकी गांव में किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उनकी गांव में लोग बहुत मुश्किल से करते हैं और वो लोग कैसे वॉशिंग मशीन्स बना सकते हैं तो उनकी दिमाग में आया कि मैं पैदल चला के मैं वॉशिंग मशीन बनाऊं सिंपल से आइडिया था कि जो उनकी जो पिता माता के कष्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती थी इतने टाइम लगाना पड़ता था वो कैसे कम आ जाए और इसी के लिए से उन्होंने जो कंपैशन रहा दूसरे की बेदना दूसरे की कष्ट को कम करने के लिए वो भी एक इनोवेशंस ले आया तो ये हम बोल सकते हैं कंपैशन लीड्स टू इनोवेशंस अब हम देखते एक तीसरी एग्जाम्पल्स जो आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा ये हैं धनजी भाई कह रहे हैं जिन्होंने फिजिकली डिसेबल्ड है मतलब चल नहीं सकते। अब उनकी इनोवेशन से माते एक आका खातू एक तो कोई वस्तु माने ओके ये गेम था लिए मैं लिए के मात्र डरीताने मुश्किलें मेंاتي और काटूंगा के लियो जाते उकेलाय جتنے हाई टेक्नोलॉजी या तो ये जो हमने अभी देखा इनकी ये फिजिकली डिसेबल्ड हैं बट फिर भी उन्होंने एक बहुत चमत्कार इनोवेशन दिखाए हैं कि उन्होंने गाड़ी को अलग ढंग से अलग अंदाज से डिज़ाइन किए हैं जो फिज़िकली डिसेबल होते हुए भी गियर को पेड़ से चला सकते हैं तो उनके लिए शरीर की जो अकन है वो उनके लिए कमजोरी नहीं रही बल्कि वो ताकत बन गई है तो कभी कभी हम अभी एक लास्ट बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस लीड टू इनोवेशंस मतलब जो आपकी जो कमज़ोरी हैं आपकी जो जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए अगर बेताब हो तो उन्होंने आखिरी में आपने देखा उन्होंने बोले कि मैं किसी दूसरे से कम नहीं हूँ दूसरे लोग जिस रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं जैसे काम कर सकते हैं मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ तो अभी हम लोग ने इनोवेशंस की कुछ कल्चर्स देखे कुछ कैसेस देखे जहाँ पे लोगों ने किसने बेताब हुआ और उसमें से इनोवेशंस की है किसने अपने अपने पिता माता के कम कष्ट कम करने के लिए इनोवेशंस की है और किसी ने अपने प्रवृत्ति से इनोवेशंस की है तो दीज आर द सोर्सेस बाय हुइज द इनोवेशंस कैन जनरली हपन अब हम देखते एक ग्लोबल सिनारीो अगर हम इतने सारी चीज़ें की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल्स देखे ये सब भारत वर्ष की उस कोने कोने के इनोवेशन्स हैं जिनको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने स्काउटिंग किया ये बेहतरीन इनोवेशन डिस्कवरी चैनल में भी आए वर्ल्ड वाइड लोगों ने उनको देखे और काफ़ी प्रोत्साहन मिला तो अभी हम देखते हैं कि इनोवेशन्स की दुनिया में अब हम लोग देखें कि इनोवेशन इतना आगे जा सकता है तो इनोवेशन्स की दुनिया में हम कहाँ रहते हैं तो रिसेंटली दो में जब एक नेशनल कॉम्पिटेटिवनेस मतलब जातीय स्तर पे जो सब कंट्री के जो सर्वे हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसने कितने दूर आगे तो टोटल 46 राष्ट्र में से कुछ पैरामीटर्स कुछ बेसिक एजेंडा उन्होंने बनाया कि चलो हम इसी इसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं इसी इसी पैरामीटर पे देखते हैं किसका रैंकिंग क्या है जैसे आपकी क्लासेस में रैंकिंग होती होगी या किसी एग्जामिनेशन में रैंकिंग होती होगी तो हमने कुछ पैरामीटर्स पे देखे जैसे कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स मतलब जो शिक्षित इंजीनियर्स हैं उसमें से कौन नंबर वन है तो उसमें देखा गया भारत के रैंक दुनिया भर में पहली बार में आ गई दूसरी चीज़ देखिए कि टोटल आर एंड डी पर्सनल मतलब आर एन डी मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत से करते हैं उसमें से हम सातवें नंबर पर है फिर जब साइंस एंड एजुकेशन की बात कही कि विज्ञान और शिक्षा की बात आई तो उसमें भी हम लोग सातवें नंबर पर है फिर जो तो टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की बात ही जो बिजनेसेस में बा इंडस्ट्री में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें हम दसवीं नंबर पे बात आई बट जब हम इनोवेशंस की आखिरी क्वेश्चन में आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे मतलब जो आपकी जो नॉलेज है उसकी वैल्यू पे एंड सेकेंड थिंग इज पैटेंट शायद आप लोग पैटेंट के टर्म से सेमिलियर होंगे पैटेंट वही होता है जो आपकी इनोवेशन हो वो आपकी नाम पे जाने जाए और आप ही के नाम पे ये दूसरे लोगों के पास पहुँचे और इसकी सहयोग से बाकी लोगों का सोसाइटी में मदद मिले तो इस पैरामीटर्स पे या इस तुल्यांकन पे हमको काफ़ी पीछे मिला और इस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि रिसेंटली जब एक कंट्री में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब विश्व अर्थनीतिक प्रतिष्ठान ने जब कंपेरिजन किया दो तो में तो इनोवेशन के मामले में जब हम इनोवेशन देखें इतने फिजिकली डिसेबल्ड लोग भी बनाए हैं बच्चे भी बनाए हैं तो इनोवेशन्स के मामले में जब जापान जैसे राष्ट्र दूसरे नंबर पर रहते हैं तब हम पैंतीसवा नंबर पर रहते हैं ब्राज़ील सत्ताईसवा नंबर पर है चाइना पच्चीसवा नंबर पर है तो जब जो हमारे पास इतने अच्छे इंजीनियर्स इतने अच्छे रिसर्च फैसिलिटी होते हुए भी हम पैंतीसवा नंबर पर रहते हैं और इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे कि ये कितना इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे जी ग्रोथ बोल सकते हैं या राष्ट्रीय विकास के लिए तो ये जो कंपेरेटिव पैटर्न हैं जो आपको मैं बता रहा था कि आप ही की टेक्नोलॉजी आप ही के नाम पे जाने जाए आप ही की नॉलेज आप ही के नाम पे दुनिया में डिसिमिनेट हो मीन्स विभिन्न जगह में पहुंचे और उसका सदुपयोग हो सोसाइटी में तो हमने अगर देखेंगे तो भारत ने जब सौ की प्रतिशत में सौ के आसपास में पैटर्नस कर रही है दो की तारीख में तब कोरिया जैसे राष्ट्र ने चार हज़ार के आसपास पेटेंट्स कर रहे हैं तो अब सोचने की बात है कि जब वो चार हज़ार पर कर रहे हैं हम सौ में कर रहे हैं जो भी हमारे पास इतने इनोवेशन से तो कारण क्या है और उसको हम कैसे ले सकते हैं तो अब हम मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा जो आपको मैं बताया था कि हम बात करेंगे इंक्लूशन मतलब इंक्लूड करना इनोवेशन कल्चर जो इनोवेशन की कल्चर है शायद इसकी कहीं कमी रह गई है कि इनोवेशंस तो हो रही है लेकिन ये जो कल्चर है जो कल्चर इनोवेशंस की प्रवृत्त होना चाहिए इंडस्ट्री में शिल्प क्षेत्र में या एकेडमिक्स में उसकी कैसे सदुपजग कर पाए अब हम देखेंगे मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा भारत में हर साल नौ लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में पास करते हैं आपकी जैसे जो उच्च प्रतिष्ठान में पढ़ते हैं जो कॉमर्स में बैकग्राउंड से हैं जो मैनेजमेंट में जाते हैं या जो टेक्निकल टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं तो वो जो फाइनल ईयर में पास आउट होते हैं तब तक तो उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की काम करनी पड़ती है जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट्स करता है मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में कुछ केस स्टडीज करते हैं तो ये जो वक्त होता है प्रोजेक्ट्स करने का या इनोवेटिव वर्क करने का वो होता है नब्बे लाख महीने हर साल हर साल लोगों ने नब्बे लाख महीने के टाइम जो इतने सारे नौ लाख स्टूडेंट्स से लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट करने में अब सवाल यह आती है कि अगर हम इनोवेशन क्रिएशन में पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं तो हमने एक सर्वे किया तो हमको अभी पता चला कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं सपोज नब्बे लाख महीने में काम करते हैं तो उसमें से बहुत ही कम प्रतिशत जो होते हैं जो इंडस्ट्री में डायरेक्टली यूज होते हैं सपोज आपने उन्होंने एक स्कूटर बनाया जो फिज़िकली लोगों के लिए बना सकते हैं तो इसको कितने लोगों ने यूज कर सकते हैं कौन से इंडस्ट्री